टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया। दरअसल यहां डिलीवरी के लिए आई एक दिव्यांग गर्भवती महिला को अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती करने से ही इनकार कर दिया। गर्भवती महिला करीब 7 घंटों तक प्रसूता वार्ड के बाहर प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने गर्भवती महिला का केस कॉम्प्लिकेटेड बताकर उनको एडमिट ही नहीं किया और बाद में उसे झांसे रेफर कर दिया। गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। वहीं प्रभारी सिविल सर्जन ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से इनकार किया है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ का जिला अस्पताल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के प्रभार में आता है। बावजूद इसके डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते पिछले करीब 3 महीने में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बहू का पेट दर्द किया, मैंने 108 को फोन किया तो 108 वालों ने नहीं सुना। फिर मैं अपने प्राइवेट वाहन से यहाँ अस्पताल में लाए, 5 बजे सुबह आ गए यहाँ पे, 5 बजे से लेटा के रखा है कि डिलीवरी होने वाली है, होने वाली है, और यहाँ से बाहर निकाल दिया हम लोगों को। पैसा मांग रहे थे, पैसा ना देने के कारण उन्होंने बाहर निकाल दिया। नहीं सुन रहा है और दर्द बढ़ा हुआ है, हम मरीज परेशान है। हमने बोल दिया था, हम मरीज विकलांग है और मतलब ऑपरेशन से मैं उठवाना बच्चा। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, कह रहे थे जो आएंगी जब बड़े डॉक्टर आएंगे भी देखेंगे, और 12 बजे से जब से ऑपरेशन ही नहीं हुआ। विकलांग महिला है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, यहाँ पर करना संभव नहीं था। सर्जन द्वारा जो गायनिक सर्जन है उसके द्वारा संभव नहीं था, तो उन्होंने उसको जो है झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है और उसके हित में 108 एम्बुलेंस आ भी गई, उसको लेके झांसी जा रही है।